वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम विशाखा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में आपके साथ लेके आई हूँ विच इज टोटली बेस्ड ऑन दिस आई मेकअप लुक। यस, इन दिस वीडियो वी कैन लर्न हाउ वी कैन क्रिएट अ बोल्ड आई मेकअप एंड हाउ वी कैन अप्लाई अ थिक काजल। जैसे कि आपको पता है समर्स है, समर्स में अगर हम मोटा काजल अप्लाई करें यहाँ से यहाँ तक जरूर आएगा अगर हम उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो ना करें। तो उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आज आपके साथ ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि इस आई मेकअप को करने के बाद आपका जो काजल है वो ट्रांसफरेबल भी नहीं होगा, स्मज प्रूफ होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, इस तरह का आई मेकअप आप डे और नाइट दोनों में कर सकते हैं और ये इंडियन अटायर और वेस्टर्न दोनों के साथ बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा। सो गाइज, मेरा बेस जो है वो बनके रेडी है। अब मैं अपने बेस को सेट कर लूंगी कॉम्पैक्ट पाउडर से। यहाँ मैं लूंगी शुगर का कॉम्पैक्ट पाउडर, सेट कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आई मेकअप की। यहाँ पर मैं आईज के लिए लूंगी ये काजल पेंसिल और काजल पेंसिल से मैं मोटा सा आईलाइनर ड्रॉ करूंगी। इस तरीके से अपनी आईज को पुल करेंगे और मोटा मोटा काजल से आईलाइनर अप्लाई करेंगे। यहाँ मेरे पास ये छोटा सा स्मजर है, मैं इसकी हेल्प से जो आईलाइनर है इसको स्मज कर लूंगी अच्छे से। इस तरीके से फिर से आई को पुल करेंगे और हल्के हल्के हाथ से स्मज करेंगे। ताकि थोड़ा स्मोकी लुक भी रहे। इसी तरीके से मैं अब काजल भी अप्लाई करूंगी, थोड़ा थिक काजल अप्लाई करेंगे, वॉटर लाइन पे अप्लाई करेंगे काजल और फिर धीरे 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 उसको थोड़ा थिक करेंगे। गाइस, ट्रिक्स ये है, जैसे कि हम अपने फेस पे कोई भी क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं उसके बाद हम पाउडर प्रोडक्ट से उसको ज़रूर सेट करते हैं, तो इसी तरह तरीके से जो मैंने काजल लगाया है उसको मैं पाउडर से सेट कर लूँगी। अगर आपके पास ब्लैक पाउडर है तो आप ब्लैक से सेट कर सकते हैं, बट मुझे ब्लैक थोड़ा ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो जाता तो इसलिए मैं ब्राउन कलर के आई शेडो से उसको सेट कर रही हूँ। पूरी काजल जो मैंने लगाया हुआ है उसके ऊपर अच्छे से जो पाउडर है उसको लगा के और फिर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो आपस में मिल जाए और कोई भी हार्श लाइन जो है वो क्रिएट ना हो। अभी जो अपर लाइन और लोअर लाइन में जो मैंने काजल लगाया था उसको अच्छे से मैं पाउडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी ताकि थोड़ा विंग सा क्रिएट हो जाए हल्का सा। ये देखिए आपस में सेट हो गए हैं। ये वाली आई भी मैं कर लेती हूँ। ये दोनों आईज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि मेरी आईज़ बिल्कुल फ्लैट ना लगें। तो दोनों आईज़ में मैंने यहाँ पे क्रीज लाइन क्रिएट कर ली है। यहाँ अब अपनी आईब्रोज को मैं फिल करूँगी, पहले स्पूली से कॉम कर लिया है। अब यहाँ आईब्रो पेंसिल की हेल्प से सिर्फ मैं आउटलाइन क्रिएट करूँगी, जो अंदर की फिलिंग होगी वो मैं पाउडर फिल करूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने ये एंगल ब्रश लिया है, उसकी हेल्प से मैं ब्राउन पाउडर को अपनी आईब्रोज में फिल कर रही हूँ ताकि नेचुरल सा इफेक्ट आए, एकदम ब्लैक ब्लैक ना लगे। तो मैंने अच्छे से आईब्रोज को अपनी फिल कर लिया है। देखिए दोनों आईब्रोज जो हैं वो फिल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने लिपस्टिक ली है पिंक कलर की जिससे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ये आजकल मुझे लिपस्टिक से ब्लश लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है और बहुत ही नेचुरल सा पिंकिश सा लुक आता है। देखिए
या मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। या मेरे पास मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर है, उससे मैं बहुत बहुत ही लाइट हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, एकदम से ज़्यादा हाइलाइटर नहीं अप्लाई करेंगी, बहुत ही लाइट हाइलाइटर अप्लाई किया है मैंने। यहाँ पर हाई पॉइंट्स पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, या नोज़ पे, क्यूपिड्स बो पे, चिन पे, या सभी जगह हाइलाइटर अप्लाई किया है। अब यहाँ पे मैं ब्रो बोन को भी हाईलाइट करूँगी, हल्का हल्का हाइलाइटर अप्लाई करेंगे, और अपने आई के इनर कॉर्नर पे भी हम लाइट सा हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। देखिए अब यहाँ पर मेरा मस्कारा रह गया था, तो मैं मस्कारे को हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में अपने लैशेस को होल्ड करके रखें एप्लीकेटर की हेल्प से, तो ज़्यादा अच्छा हमारे लैशेस जो हैं वो कर्ल होके आते हैं और मस्कारा काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम ऐसे लगता है कर्ल से, हमने कर्लर की हेल्प से ही कर्ल किए हैं अपने लैशेस को। देखिए आप द डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आईज में, मस्कारे के साथ और विदाउट मस्कारा। यहाँ पे लोअर लैशेस पे भी मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। अब यहाँ लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिस क्लेयर की लिपस्टिक है, ये बहुत ही प्यारा न्यूड सा शेड है। जैसे कि हमने आईज थोड़ी बोल्ड की हैं, तो उसके साथ हम हमेशा न्यूड लिप्स ही करेंगे। अब यहाँ पर मैं बिंदी अप्लाई करूँगी लाइनर की हेल्प से। अब देखिए सो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज। तो गाइज ये था मेरा आज का फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।